Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ के साहबजादों के गिर्द घेरा तंग, हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत के नोटिस बोर्ड पर इश्तिहार चिस्पा, दोनों मुलजमान 30 दिन में अदालत पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तौहीन अदालत के सिलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को मुतासिब कहने से मुतालिक जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के अहकामात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे पीटीआई रहनुमा बाबर अमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिर्फ पीटीआई इलेक्शन कमीशन के निशाने पर है। लीज मुहाइदे रजिस्टर्ड नहीं, मुहाइदों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई, बदनीयती पहले से साबित है। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन अहली केस पर अकरम शेख के दलाइल, बेईमानी तब साबित होगी जब किसी फोरम का फैसला आएगा। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर का जवाब, केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाअत। निजी बैंक के अफसर तारिक जावेद ने बतौर गवाह 5 अकाउंट्स की तफसीलात एहतसाब अदालत में पेश कर दी। जवाब पेश हुए तो बयान रिकॉर्ड हुआ था, ख्वाजा हारिस का सवाल। तफ्तीशी अफसर से कोई बात नहीं छुपाई, नैब को मुकदमे की दस्तावेजात फराम करना मेरी ड्यूटी थी, तारिक खान का जवाब, जिरह मुकम्मल। इन्वेस्टिगेशन वालों ने और प्रोसिक्यूशन वालों ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं या पेश करवाए हैं, उनका जो ओरिजिनल्स के साथ है वो मैच ही नहीं हो रहे थे। पानामा पेपर्स में इसहाक डार का नाम नहीं, उन पर सियासी मुकदमा चलाए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान अहली केस में हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दायर कर दी। इमरान खान की दस्तावेजात बेबुनियाद है, मुस्तरद किया जाए दरख्वास्त में इस्तदा। इमरान खान के इर्द गिर्द देखें, सारे जितने डाकू और चोर थे वो सारे इसके इर्द गिर्द हैं। क्यों? कि इमरान खान को पैसों की जरूरत। इमरान खान और जहांगीर तरीन ने अब तक मनी ट्रेल नहीं दी। जितने डाकू और चोर थे सब इमरान खान के गिर्द मौजूद हैं। आज इमरान खान को दिन में तारे नजर आ गए होंगे। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। अपने पेशावर के अजीम गयूर आवाम को, अपने पठान भाइयों और बहनों को कि अगर वहां पर मुस्लिम लीग यून की हुकूमत होती तो पेशावर में भी 11 महीने में मेट्रो बनता और रोड बनता। पीटीआई ने काम नहीं किया, सिर्फ नए पाकिस्तान की बात की। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम सोचते होंगे कि वोट क्यों दिया। शहबाज शरीफ की तनकीद, बोले ऑरेंज ट्रेन की पिच उखाड़ दी गई, कहा गया ना खेडांगे ना खेडन देंगे। मुल्तान में स्पीडो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। एहतसाब अदालत से फर्द जुर्म आयद होने का मामला, कैप्टन सफदर रिटायर्ड की दरख्वास्त नाकाबले समाप्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। आर्म फोर्सेस हैव नेवर। मुल्की जमहूरी तारीख का स्या दिन 12 अक्टूबर 1999 को फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत की बिसात लपेट दी। जमहूरियत पर शबखून को 18 बरस बीत गए। ट्रंप की पाकिस्तान के खिलाफ सख्त पॉलिसी के बाद मुजाकरात का दौर, अमरीका का आला सतह वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन के दौरे का एजेंडा भी तय होगा। नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर लीजा कर्ट्स और मुआविन वजीर खारजा एलिस वेल्स अमरीकी वफ्द में मौजूद।
पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कोई पनाहगाह नहीं, मरहलावार इलाकों से दहशत गर्दी का खात्मा किया, ऑपरेशन जरबे अज भी कामयाबी से मुकम्मल किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ कुफूर का जामे कराची में खिताब, कहा हर बुनियाद पर अस दहशत गर्द नहीं होता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत अदा की, कोई कौम इस जंग में हमारी कुर्बानियों और कामयाबी का मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर दाखला एहसन इकबाल का ट्वीट, कहा पाकिस्तान मजबूत इस्तेहकाम के साथ अमन की जानिब गामजन है। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया, नसीराबाद में मशकूक गाड़ी पकड़ी गई, 6 बैग्स में रखा 90 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद, तहकीकात शुरू। रहीमयार खान में इंसानियत सोज वाकया, 3 मुलजिमान का लड़की से अगवा करके रेप, मुलजिमों ने वीडियो बनाई सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन रेप की दफात शामिल नहीं की, मुतासरा लड़की का इल्जाम। कराची में खवातीन पर चाकू से हमलों की तहकीकात में पेशरफ, पुलिस ने साहिवाल से लापता मुलजिम वसीम के करीबी साथी को हिरासत में ले लिया, साहिवाल में चाकू से हमला करने वाला मुलजिम ही कराची में कार्रवाइयां कर रहा है, DIG सुल्तान ख्वाजा को खदशा। ये जो एक छलावा वाला मामला ये अभी तक है तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं आ रही है, सूबाई हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखला की तरफ से भी कोई तसल्ली बख्श बात नहीं आ रही। कराची में खवातीन पर चाकू के हमलों से बेचैनी फैली, सूबाई वजारत दाखला मामले पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही, MQM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब इन नामालूम अफराद का पता चल जाना चाहिए, मीडिया हाउसेस पर हमले के मुकदमात में आमिर खान और फारूक सत्तार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में भी पेश। पेशावर के निजी स्कूल में टीचर का 5वीं क्लास के तालिबेन पर मुबैना तशद्दुद, दीगर बच्चों से भी तशद्दुद कराया, मुतासरा तालिबेन तश्वीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। 5 मीन हमारे साथ बैठ के अपना वो जो डिक्टेटराना रवैया है दम क्या देखे, हमें डराने की कोशिश करके 5 मिनट बाद हमारी मीटिंग से चले गए, मुजाकिरात नाकाम हो गए, 17 तारीख को हम बनी गाला का घेराव करेंगे। पेशावर में सैकड़ों तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल, KPK हुकूमत और असातिज़ा के अख्तिलाफात का शिकार, 3 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का बॉयकॉट जारी, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल पर रहने का ऐलान कर दिया। कराची में गर्मी का तीसरा रोज, आज भी सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 42 तक जाने का इम्कान, शहरी गर्म मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तिब्बी माहिरीन की आरा, चिड़ियाघर में जानवर भी गर्मी से बेहाल, इंतजामिया ने पानी से नहला दिया।